नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट का केक। जितने भी मेरे बचे हुए बिस्किट्स थे उन सभी को मैं आज यूज़ करूँगी इस केक में। तो ये मेरे बिस्किट्स हैं जो मैं उसमें यूज़ करने जा रही हूँ, और साथ में ही मैंने ये व्हिपिंग क्रीम बनाई है व्हिपिंग क्रीम पाउडर से। तो इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और मैंने दो दो टेबल स्पून जो है स्ट्रॉबेरी जैम लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, और पीनट बटर भी मैंने 1 चम्मच लिया है, ये ऑप्शनल है। और मैंने लिया है चॉकलेट सिरप जो 2 बड़े चम्मच इसमें लिया है। तो ये थी इसमें सामग्री यूज़ होने वाली, और इसमें मैं चॉको चिप भी यूज़ करूँगी थोड़े बहुत, और वॉलनट्स भी यूज़ करूँगी। तो चलिए अब बनाते हैं केक। तो सबसे पहले जितने भी मेरे बिस्किट्स हैं इसको मैं अच्छे से दरदरा से भी बिल्कुल बारीक पीस लूँगी, बिल्कुल इसका पेस्ट टाइप जैसे होता है बिल्कुल बारीक से वैसे करके मैं इसे जो है दरदरा कर लूँगी। अब मैंने जो है ये कर लिया है, तो अब मैं इसमें 2 चम्मच बटर डालूँगी और इसको अच्छे से बाइंड कर दूँगी बटर के साथ ताकि इसमें मॉइस्चर बन जाए। और ये मेरा जो है मैंने इसको बाइंड भी कर दिया है। अब मैंने उस पैन में जो है अपने बटर ले करके इसको अच्छे से सारी जगह इसे फैला दिया है ताकि जो मेरा केक है वो इजीली निकल सके। तो मैंने अब इस पे एक लेयर जो है मैंने बिस्किट की इस पे डाल दी हुई है, तो ये पूरा जो है एक कंप्लीट रो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं लूँगी एक बाउल में 1 चम्मच पीनट बटर, और इसी बाउल में मैं लूँगी 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी जैम, और साथ में ही मैं इसमें लूँगी एक चॉकलेट सिरप के जो हैं 2 बड़े चम्मच अंदाजे से मैंने लिए हैं। और मैं इसको अच्छे से पहले मिक्स कर दूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे और ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाए प्रॉपरली। और अब इसमें जो है मैं 2 बड़े चम्मच व्हिपिंग क्रीम के डालूँगी, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं इसमें, जितनी भी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेरा पेस्ट जो है लगभग बन के तैयार है, तो मैं अब इस पेस्ट को जो है इस जो मैंने बिस्किट की लेयर है इसके ऊपर मैं इसे अच्छे से बिछा दूँगी। वॉलनट के टुकड़े जो है बारीक बारीक काट करके इसके ऊपर बिछा रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा क्रंची क्रंच आ जाए, और थोड़े से जो चॉको चिप्स हैं वो भी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी ये पेस्ट, तो मैंने अब इसमें ये डालना शुरू कर दिया हुआ है। इसको अच्छे से मिला लूँगी सारी जगह पर, इसे फैला दूँगी ताकि इक्वली जो इसका टेस्ट सारी जगह पर आए। तो अब ये मेरे ये वाला पेस्ट था। अब इसके बाद मैं सिंपल पेस्ट जो मैंने व्हिपिंग क्रीम का लिया है अब ये भी मैं इसमें यूज़ करूँगी, तो इसको भी मैं अच्छे से फैला दूँगी पूरे इस पे ताकि जो है दोनों का ही मिक्सचर अच्छे से आ जाए। और साथ में अब मैं इसमें जितने मेरा बचा हुआ ये बिस्किट का पेस्ट है ये भी मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। अब जितनी भी मेरी व्हिपिंग क्रीम है ये मैं इस पर डाल दूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे अच्छे से जो है घर पर बना सकते हैं, जब भी बच्चों का मन करे तो आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो मैंने ये जो है अच्छे से फैला दिया हुआ है जितना भी व्हिपिंग क्रीम था, तो अब मैं इसको 15 से 20 मिनट जो है फ्रिज में जो इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसे जो चॉको चिप के साथ थोड़ा डेकोर कर लूँगी, और इसके बाद ये सीधे जाएगा फ्रिज में 15 से 20 मिनट। आप इससे भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, आधा घंटा भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो ये मेरा बन करके आ गया हुआ है, इसको मैंने आधा घंटा जो है फ्रिज में रखा है। तो चलो इसे मैं खोलती हूँ, ये देखिए इस तरह से जितना ये सुंदर लग रहा है उतना ही ये टेस्टी भी है, और बहुत ईजी है, आप भी ज़रूर बनाइए। और अगर आपको ये डिश अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।